खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर नगर आगमन पर नगर वासियों द्वारा उनका और उनके कोच का फूल माला से स्वागत किया गया, जिनका रमेश मौर्य आबकारी विभाग, आनंद मानुरकर नगरपालिका, समाज सेवी गजेंद्र ने स्वागत किया। 25 से लेकर 27 जुलाई के मध्य मनाली हिमाचल प्रदेश के क्लब हाउस में 5वीं हिमालयन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया, जिसमें 21 किलोग्राम वर्ग में महक पिता गुलशन प्रजापत ने स्वर्ण पदक, 43 किलोग्राम वर्ग में हर्षिता पिता रमेश स्वर्ण पदक, 57 किलोग्राम वर्ग में स्वस्तिक पिता महेंद्र सिंह चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सीनियर 43 किलोग्राम वर्ग में आयुषी पिता अरुण जोशी ने रजत पदक एवं सीनियर 53 किलोग्राम वर्ग में चेतना आनंद मानुरकर ने रजत पदक जीता। बीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आप कहाँ गए थे? हम मनाली गए थे। और आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप इस खेल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो खेल है ताइक्वांडो है, जिसकी प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई थी। ये 5वीं प्रतियोगिता थी, जिसमें सीआरपीएफ सीआईएसएफ सर्विसेज के बहुत अलग अलग खिलाड़ियों ने, लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हमारे खरगोन खंडवा जिले के भी 6 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें हमारे 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक हासिल हुआ। और ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।